है जो आप शर्ट के डिजाइन लेके आ रहे हैं, ये शर्ट लेके आ रहे हैं, ये शर्ट कैनवा पे है और कहाँ से हमें मिलेंगी शर्ट और मग आप और इसमें बाकी चीजें? स्मार्ट मॉकअप, ये देखें कैनवा के अंदर टूल्स में स्मार्ट मॉकअप का टूल आपने ऐड करना है ना, डिस्कवर ऐप्स में जाके वहां से स्मार्ट मॉकअप को ऐड करना है। मैंने अभी पूरा प्रोसीजर इसका बताया तो है। डिस्कवर ऐप्स में जाएंगे, डिस्कवर ऐप्स के अंदर आपके पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन है स्मार्ट मॉकअप्स के नाम से, तो सिंपली आपने वहां चले जाना है, वहां से आपके पास आ जाएगी। कहाँ से जाएंगे स्मार्ट मॉकअप? लेफ्ट हैंड से राइट हैंड आपको से कहाँ स्क्रीन से? आपको स्क्रीन मेरी नहीं नजर आ रही है क्या? आ रही है सर, डिस्कवर स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? ऐप इसमें ये राइट साइड पे नीचे क्या नजर आ रहा है? मोबाइल से देखती हूँ, बहुत बारीक है। जूम जूम कर लेना, आपके पास तो जूम का ऑप्शन है, स्क्रीन जूम कर लें। क्या जी, नजर आ रहा है डिस्कवर इसके अंदर? आपको नीचे क्या नजर आ रहा है जहां पे मेरा माउस है इस टाइम? जी, टी शर्ट, ये टी शर्ट बनी हुई है, लिखा पता नहीं, जूम किया तो सही नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ, लेकिन टी शर्ट स्मार्ट नजर आ रही। मॉकअप्स, ये स्मार्ट स्मार्ट मॉकअप्स लिखा हुआ है, जी, स्मार्ट मोको। ये स्मार्ट मॉकअप है, ठीक है, ये चीज है स्मार्ट मॉकअप। आप यहाँ से यूज इन न्यू डिजाइन करेंगे तो नए डिजाइन में जाके खुल जाएगा, अगर एग्जिस्टिंग डिजाइन में करें तो यहाँ पे स्मार्ट मॉकअप का आपके पास विंडो आ गई है, उस पर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ से आप ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं कोई जो मर्जी ले रहे हैं, यहाँ से बैग जी ले जी रहे हैं, ठीक एक्सेसरीज ले रहे हैं, फेस, ठीक है, क्लियर हो गया। है जी। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज हैंड रेस करें क्वेश्चंस। जी मुबशर, मुबशर साहब अनम्यूट हो जाएं और क्वेश्चन करें। वालेकुम वालेकुम सर। सर मैं मोबाइल पे ये सलाम। देख रहा हूँ, मैंने अभी कैनवा की ऐप डाउनलोड किया, लेकिन डिस्कवर ऐप का कहीं ऑप्शन मिल नहीं रहा, तो मोबाइल पे कैसे करेंगे? आप ढूंढ लें, मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करें ना, चलें आपको मिल जाएगा मोबाइल। मोबाइल चलें से में आपने कहाँ ढूंढे? अच्छा, मोबाइल पे मैंने सर्च पे भी किया है, लेकिन मैं होम पेज पे आया हूँ, लेकिन होम पेज पे ऊपर सोशल मीडिया, फॉर यू, प्रेजेंटेशन, वीडियो मार्केटिंग, ये बस आ रहा है, डिस्कवर ऐप का ऑप्शन मुझे मिल नहीं। मैं अभी आपको कैमरा में दिखा देता हूँ। ये मेरा, अच्छा सॉरी एक मिनट, ये मोबाइल मेरा नजर नहीं आएगा, सबर जस्ट एक मिनट दे दें मुझे, मैं आपको कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, मैं आपको स्क्रीन शॉट ले कर दिखा देता हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है। ये मेरा स्क्रीन शॉट ले लिया। आप व्हाट्सएप के कौन से ग्रुप में? जी थ्री ग्रुप में मैं अभी व्हाट्सएप खुला हुआ है, जी खुला हुआ। स्क्रीन शॉट मेरा मिला वहाँ पे। अभी आ जाएगा सर। अभी तक तो नहीं है, आ गया जी। ठीक है सर, ठीक। अब आप मुझे बताएं कि इतना सा काम, इतनी सी मेहनत आप में से कोई भी नहीं करता ना, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ये सिंपली मेन्यू में जाके ये देख ले, मैंने स्क्रीन भी शेयर कर दी है, सिंपली मेन्यू के अंदर डिस्कवर ऐप्स था। ऐसे ये होगा ना, देखें ये बेसिक्स आप लोगों ने खुद सीखने हैं, ये बेसिक्स के मेन्यू कैसे खोलना है ये हम नहीं सिखा सकेंगे। अगर हम ये कुछ सिखाने लग जाएंगे ना, तो फिर जो चीज़ें सिखानी है आप लोगों को वो वहीं पर रह जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चंस तब करें जब बिल्कुल आप ना उम्मीद हो जाएं कि अब आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है, थोड़ी ठीक है सर, सी रिसर्च कर लेगा ना। थैंक यू जी नूरलैन। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने अभी जो मॉकअप था वो टी शर्ट पे ट्राई किया, तो सर टी शर्ट का कलर वाइट था, ठीक है, तो जी सर वाइट कलर को चेंज किया जा सकता है? मतलब जो चाहे हम अपने कलर चेंज कर सकते नहीं, हैं? देखना पड़ेगा, शायद हो सकता है उसके अंदर ऑप्शन हो, लेकिन बैकग्राउंड असल में टी शर्ट जिस पे प्रिंटिंग होती है वो हमेशा वाइट होती है ना ज़्यादातर,
प्रिंटिंग वाली ज़्यादातर टी शर्ट्स वाइट ही होती हैं मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, लेकिन हो सकता है कि वो भी चेंज हो सकता हो, मैंने कभी चेक नहीं किया इतना डिटेल में। मैंने आपको बताया ना कि सर मैं, क्योंकि सॉरी जी 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 बताएं बोलिए जी सर, बताएं बताएं आप। वो जब मैं बिजनेस कार्ड ट्राई कर रही थी ना, तो मैंने लॉक पे ट्राई किया था, तो मैं चाह रही थी कि लॉक का कलर जो थोड़ा सा जो है ना बिजनेस कार्ड से कॉम्प्लीमेंट करे, तो सर मैं वो ट्रिक करना चाह रही थी लेकिन मुझसे वो हो नहीं पा रही थी, मैं इसलिए पूछ रही थी। असल में देखें इसके अंदर तो ये हर एक चीज़ कस्टमाइज होती भी नहीं है ना, कैनवा और इनके अंदर हर चीज़ फुली कस्टमाइजेशन का तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता है ना। बाज़ चीज़ें होती हैं, बाज़ चीज़ों की लिमिट होती है, लेकिन उसके लिए अगर आप ज़्यादा इस तरह के काम में जा रहे हैं तो उसके लिए जो रिकमेंडेशन है ना हमेशा के लिए वो इलस्ट्रेटर है, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर आप लोग वो यूज़ करें, वो सबसे बेहतरीन होते हैं इस तरह के कामों के लिए। ठीक है अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो हम आगे मूव करते हैं। मूव क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फाइवर की प्रोफाइल एनालिसिस का। आप लोगों में से जिन जिस जिस की फाइवर का अकाउंट बना हुआ है काइंडली, जी कासम साहब आपको कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस है आपका। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, उबैदुर्रहमान साहब बोल रहे हैं? जी, अच्छा, मैं शेखुपुरा से बोल रहा हूँ, आपके एक स्टूडेंट हैं, कासिम नाम है उनका, तो जी, बिल्कुल उनसे सर। आपका नंबर नंबर का हवाला लिया था मैंने। मैं असल में कुछ काम करना चाहता हूँ अमेज़ोन पर, और अभी मेरी कोई मुझे इसका बिल्कुल भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप मुझे प्लीज इसमें कोई गाइडलाइन दें ताकि किसी अपने देखिए पैरों अभी पे खड़े हो हमारी जो सके। क्लास, अभी हमारी क्लास है कैनवा स्मार्ट मॉकअप और फाइबर से रिलेटेड ना, आप मुझे अच्छा, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ये काम मैं वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करूँगा इस हवाले से। ठीक है, अपने ओके नंबर आप ओके, उनसे ले ठीक, लिए तो मुझे व्हाट्सएप पे अपने नंबर से मैसेज कर दीजिएगा। मैं अभी 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 करता हूँ आपको मैसेज। ठीक है, ठीक। जी उबैद, सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो फाइवर की जो गिग की थंबनेल है, ये भी हम कैनवा से ही बना लें सर, HD क्वालिटी में, या वो बना इसमें? लें लेकिन कैनवा का डिज़ाइन, जी बना लें लेकिन कैनवा का डिज़ाइन ना हो। अच्छा या मतलब लोगो ना आ रहा हो कैनवा का? नहीं, लोगों का इशू नहीं है, मतलब ये है ना कि आप अपनी चीज़ बनाएं, कैनवा का टेम्पलेट ना हो। ठीक है अच्छा चलें, ये मैं कुछ और चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। फाइबर के अंदर आप मोर के अंदर आके ना, आप फाइबर के हम बात करें तो फाइबर के अंदर मोर के अंदर आके आपके पास बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, अक्सर लोग पूछते हैं, कहते हैं ऑर्डर्स नहीं आ रहे, मैं पूछता हूँ बाय रिक्वेस्ट कैसे कितनी भेजी है, तो वो कहते हैं कि बाय रिक्वेस्ट क्या चीज़ होती है। तो मैं ज़रा सा पहले बता दूँ आप लोगों को, फिर हम दोबारा से क्वेश्चन की तरफ आएंगे और आप लोगों की प्रोफाइल्स देखेंगे। एक बंदा है, उसने बाय रिक्वेस्ट डाली है कि हेलो, आई नीड अ वर्डप्रेस डेवलपर दैट कैन डिज़ाइन माई वर्डप्रेस वेबसाइट एंड फिक्स माई इशू। डिज़ाइन इन द बैक एंड इजंट शोइंग देन When the website is active, send me an offer to this request if you can fix the issue and complete designing my website. मैं इसको ऑफर देता हूँ, ये रहे जी, मैं इसको ऑफर क्या देता हूँ, हेलो देयर आई कैन हेल्प यू फिक्स दिस डिजाइन इशू फर्स्ट एंड देन टू कंप्लीट योर वेबसाइट। लेट्स हैव अ मीटिंग वेटिंग। ठीक है, इसको मैंने डाल दी जी, $200 की मैंने इसको ऑफर डाल दी, क्योंकि मैं $100 की ऑफर डाल देता हूँ अभी। डिलीवरी टाइम में कहता हूँ 7 days है, नंबर ऑफ रिविजन्स मैं इसको अनलिमिटेड डाल देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ चलो भाई, 3 ऑफर इसको अभी चलेगी। तो ये यहाँ पर आप लोगों के पास बायर रिक्वेस्ट के अंदर ऑप्शंस आते हैं बायर रिक्वेस्ट भेजने के, जो आपकी गिग्स होती हैं उनसे रिलेटेड। तो ये यहाँ से आप लोग
अब इस पेज को आप रिफ्रेश करेंगे तो हो सकता है कि ये बाय रिक्वेस्ट भी गायब हो जाए, हो सकते हैं और आ जाए। तो इस पेज को आपने जस्ट रिफ्रेश करना होता है नई से नई रिक्वेस्ट। देख ये देखें जी, अभी जब मैंने भेजी इसको रिक्वेस्ट तो दो ऑफर्स थी, अब इसको 41 ऑफर्स ऑलरेडी जा चुकी हैं, लेकिन मेरे पास ये देखें मजीद बाय रिक्वेस्ट आ गई हैं। ये कह रहे हैं कि यू आर कोई वेबसाइट है इसको इससे रिलेटेड वेबसाइट चाहिए, $100 का बजट है, मैं इस पर बिड ही नहीं करूँगा इतने कम पे। हेलो, ये कुछ इसने किसी और लैंग्वेज में डाला हुआ है। अब मैं काम करता हूँ इसको जस्ट, क्योंकि इस पर रिक्वेस्ट कम होगी, मैं जस्ट ट्रांसलेट पे जाता हूँ, ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेटर के अंदर जाके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और देखता हूँ कि इसने क्या लिखा हुआ है। तो इसने लिखा हुआ है दिस इज़ वर्डप्रेस प्लगइन एंड पता नहीं, खैर मैं इसको यहाँ से करता हूँ डिटेक्ट लैंग्वेज। हाँ अब आ गया, हेलो आई एम लुकिंग फॉर अ वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपर इन जर्मन, प्लीज़ राइट इन जर्मन टू क्रिएट अ न्यू प्लगइन फॉर फूड। जर्मन है, मैंने कहा छोड़ दो मेरे पास के नहीं है जर्मनी। ये क्या कह रहे हैं जी, एनीवन कैन हेल्प मी सेंड डेटा टू सीआरएम फ्रॉम द एलिमेंटर कॉन्टैक्ट फॉर्म विदाउट ज़ैपियर, हियर आर द एपीआई डिटेल्स। ये इसने एपीआई की डिटेल दी हुई है कि इसके थ्रू इसने एलिमेंटर के कॉन्टैक्ट फॉर्म से इसका ज़ैपियर के अंदर डेटा, ये मतलब एक जॉब टाइप है फॉर्म सबमिट करने से वहाँ डेटा जाए। तो ये क्या है जी, आर एफ पी फॉर सेल ऑफ टन की सास टूल, सास टूल को भी बनाना है, 1,20,000 रुपये इस प्रोजेक्ट के लिए दे रहे। मैं कहता हूँ नहीं जी, मज़ा नहीं है, मेरे से रिलेटेड नहीं है, मैं फिर से रिफ्रेश करूँगा। अब देखें, अब 6 बाय रिक्वेस्ट फिर से आएगी जिनमें से कुछ पुरानी है, एक नई आ गई, ये वाली कह रहे हैज एन ओवरव्यू ऑफ द वेबसाइट आई वुड लाइक टू हैव क्रिएटेड, आई थिंक द फंक्शनैलिटी ऑफ व्हाट आई एम लुकिंग टू हैव क्रिएटेड कुड बी डन थ्रू वर्डप्रेस, आई वुड लाइक टू हैव अ पेमेंट चेक और प्रोसेस। ठीक है जी, काफ़ी लंबी डिटेल है तो मैं इसको ऑफर करता हूँ, अच्छा जी इसकी 7-8 पेजेस की वेबसाइट है लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है, तो मैं इसको ऑफर कहता हूँ, नहीं कहता हूँ हेलो देयर Let's discuss the opportunity in details. I just went through your request and I think that this is what I can work on easily because I am working as custom WordPress designer by developer waiting for a positive response. ठीक है, अब इसमें जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं ये आपने ठीक करनी होती हैं, और ये कैसे ठीक करते हैं अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हुई हैं तो आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्रामरली। ऑफर इसको मैं कर देता हूँ, इसने जो दी हुई है वो ऑलमोस्ट $1,500 की है, मैं इसको $1,500 ही डाल देता हूँ, और डिलीवरी टाइम इसको मैं डाल देता हूँ 14 दिन के, नंबर ऑफ सबमिशन इसको भी अनलिमिटेड देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ ऑफर। अब क्या हुआ कि ये 2 बायर रिक्वेस्ट मैंने भेज दी, ये समझ लें कि फाइवर पर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तब देखें, पहले 6 थी, अब यहाँ पर मेरे पास एक्टिव में 8 आ रही हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, नीड अ वर्डप्रेस थीम डेवलपर स्मॉल टास्क, थीम का भी डेवलपर चाहिए, $10 का भी छोटा सा काम है, मैं क्या कहता हूँ सेंड ऑफर। हेलो कैन यू प्लीज डिस्क्राइब योर टास्क इन डिटेल्स, मैंने कहा कि भाई आप ज़रा थोड़ी डिटेल तो बताओ है क्या, और मैंने अनलिमिटेड इसके ऑफर सबमिट कर दी। अब इस तरह एक और है, कह रहे हैं कि मेरे पास एक वेबसाइट है जिस पे एडसेंस नहीं अप्रूव हो रहा,
उसके लिए क्या करना है, मैं इस पर भी अप्लाई कर सकता हूँ? ये तो मैं जैसे आप लोगों को समझा रहा हूँ, आई एम वेरी नॉलेजेबल वर्डप्रेस डेवलपर टू क्लोन क्रिएट सेम प्रोडक्ट शॉप पेज चेकआउट एंड कार्ट पेज प्रोसेस एंड डिज़ाइन एनिमेशन बजट डिस्टेंट एंड टाइम टाइम के $10 में आप ये करके, तो मैं कहता हूँ रिमूव रिक्वेस्ट, क्योंकि ये दिमाग ज़्यादा खाएगा, काम इसने नहीं करवाना इतना। मैं फिर से इसको रिफ्रेश करूँगा, देखें जितनी बार मैं रिफ्रेश करूँगा मुझे यहाँ पे कोई ना कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। देखें आई नीड बल्क SMS वेबसाइट बजट 50 to 70 USD। बल्क SMS की कौन देते हैं भाई, रिमूव कर दो। I'm looking for developer who can develop a WordPress or PHP website to list the top 10 related stuff. But before doing, I want to see the exact demos of the outcome. If it's WordPress, you can send me the theme demo. If I agree to proceed, we can continue the work. Please contact me, a well experienced, and also please contact me if you want an existing demo site too. Pata nahi keh rahe ke top 10 related stuff se isne website banwani hai aur pata nahi wo kya kahani hai. I'm founder of small but fast growing startup. I'm looking for a freelancer who can support us with a web flow design when we have marketing ideas. Can you also sometime support customer with Figma design or only? Yes, ko designer chahiye. $200 ke around iska budget hai. Aur bas dekhte jaye. Aap isko refresh karenge. Ho sakta hai kisi time aapke paas yahan pe zero show ho jaye. Lekin bas aisa kam hi hota hai ki zero show agar aapke paas 7 gigs hain. Keh rahe ji, I have Asta Pro agency bundle license. I'm looking for partner who deal with website. I will activate license for lifetime for your client. Inbox me if you are. कह रहे हैं कि Asta Pro इसके पास है, अगर किसी को ये थीम चाहिए तो उसके लिए मैं अप्लाई करूँगा तो मेरे से डील बन सकती है, भाई मैं नहीं कर रहा। ये चीज़ होती है बायर रिक्वेस्ट, कहाँ से आती है? मोर में जाएंगे, बायर रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, मोर में जाएंगे फाइवर में और बायर रिक्वेस्ट पे। अगर आपकी गिग्स के अंदर टैग्स आपसे रेलिवेंट होंगे तो ये बायर रिक्वेस्ट आपके साथ रेलिवेंट आएंगी, नहीं तो यहाँ पे अजीब और गरीब किस्म की बायर रिक्वेस्ट आएंगी और आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। जी बाबर साहब, आपका क्या क्वेश्चन है आप बताएं। बाबर सर, ये अभी मैंने तो एक दो गिग्स ही बनाई है, एक ही गिग बनाई थी, तो अभी बायर रिक्वेस्ट तो कोई भी शो नहीं हो रही, कल से ट्राई कर रहा हूँ कोई बायर रिक्वेस्ट आ जाए तो आप अभी भी आनी चाहिए। अच्छा, अगर आप मेरा, आप कह रहे थे प्रोफाइल चेक करके बता देंगे तो कुछ आइडिया दे सकते हैं इसको, अगर मैं आपको बताऊंगा मैंने शायद आपको मैं भेजी भी होगा। आपसे पहले आप एक मिनट होल्ड करें, मैं बाकियों से क्वेश्चन ले लूं। जी नूर लैन, आपका क्या क्वेश्चन है? नूर लैन नूर लैन आपका हैंड रेज है, आपका क्या क्वेश्चन है? उबैद, आपका क्या क्वेश्चन है? आपके हैंड रेज़ है। सर मैं पूछ रहा था कि जैसे हम बाय रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट बिट करेंगे और वो फर्दर जब हम हमें रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो नोटिफिकेशन हमें किधर से होगी? मैसेज जाएगा आपको। ठीक जी, रुबाब आपका क्या क्वेश्चन है? रुबाब आपका क्या क्वेश्चन है? आपका माइक अनम्यूट है। हेलो, क्या आपको आवाज आ रही है रुबाब?